नमस्कार दोस्तों, मैं विंदर शर्मा स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूँ आप खुश और स्वस्थ हैं दोस्तों। दोस्तों आज आपको बहुत ही जबरदस्त वीडियो दिखाते हैं पाक मीडिया की, जिसमें पाकिस्तान के बहुत से राजनीतिक विशेषज्ञ अपने आप में ही उलझे हुए हैं और एक दूसरे पे आक्षेप विक्षेप लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अफगानिस्तान में जैसे जैसे पाकिस्तान ने आतंकवादी तैयार कर करके अफगानिस्तान को अस्त व्यस्त करने की कोशिश की है, आज वो उन्हीं के देश पे आ पड़ी है। तो आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं इनकी एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो, जिसमें ये खुद मान रहे हैं कि हमारे पे हर कोई आक्षेप लगा रहा है कि हम आतंकवादी तैयार करके अफगानिस्तान में भेज रहे हैं। तो दोस्तों आपसे इससे भी पहले आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। एकदम दिलचस्पी की आखिर वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह यह है कि सिर्फ अफगान हुकूमत ही नहीं, अमरीका और दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं वो पाकिस्तान को सालस की बजाय अब एक फ्रीक समझते हैं। वो हमें पार्ट ऑफ सॉल्यूशन अब नहीं समझते, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम समझते हैं। अब हम कितनी भी वजाहतें देते रहें, लेकिन एक जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है उसका जो ओपिनियन है वो ज़्यादा मैटर करेगा, या हम जो यहाँ नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं वो मैटर करेगा? फैटफ में देख लें और दीगर आलमी मसाइल में देख लें, हमने मुल्क के अंदर तो अपनी बड़ी वाहवाह करा ली है, पर मुल्क के बाहर आपकी बात मानने को कोई तैयार नहीं है पूरी दुनिया में। आज अफगानिस्तान की भी यही सूरत हाल है कि लोग अशरफ गनी को हमारे मुकाबले पर सच्चा मान रहे हैं। हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान से ज़्यादा मोतबर अशरफ गनी दुनिया में समझा जा रहा है, और उनके इल्ज़ाम की हमें जवाबदेही देनी पड़ रही है। आप रोज़ ट्वीट्स तो देखें उनके, आप रोज़ उनके इल्ज़ाम तो पाकिस्तान पर देखें। वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जंग थोप दी है, वो ये थोड़ी कह रहे हैं तालिबान हमसे लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अपनी पोजीशन क्लैरिफाई नहीं कर सके, हम कह रहे हैं जी चाइना उनके साथ है, रूस उनके साथ है। भाई हमारे बॉर्डर से सब कुछ हो रहा है और दुनिया हम पर सवाल उठा रही है, और ये बड़े खतरनाक सानहे की तरफ जा सकता है। हम पहले फैटफ में फंसे हुए हैं। ये कहना कि अमेरिका का हम पर दबाव है हम क्या कर लें, वेस्ट का हम पर दबाव है हम क्या कर लें, भाई अमेरिका और वेस्ट ने हमें पहले फैटफ में दबाया हुआ है, उसके नतीजे में हमने हाफिज सईद वगैरह को दो सौ साल कैद नहीं दी है, मजबूरी में दी है ना, कोई वो हमारे मुजरिम तो नहीं है। इसी तरह दुनिया हमें मजबूर करेगी बाकी ऐसे इकदाम की तरफ जिनके बारे में आज हम कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। हमने पहले भी कहा एब्सोल्युटली नॉट, और फिर हमने सब कुछ वो किया फैटफ के दबाव में जो हम नहीं करना चाहते थे। अब फिर हम कह रहे हैं और हमने फिर वही सब कुछ करना है। दुनिया को साथ लेकर चलना ही सफारतकारी है, डिप्लोमेसी है। दुनिया से रुस के बैठ जाना कोई डिप्लोमेसी नहीं है, अपनी बात पे अड़ जाना कोई नहीं है, दुनिया को कायल करना असल काम है। अगर आप कायल करने की पोजिशन में नहीं है, अगर 1.5-2 साल बाद आपका सीपैक का चेयरमैन इस्तीफा दे देता है तो 1.5-2 साल जाया हो गए ना। आपको पता ही नहीं लगा कि चाइनीज उसके खिलाफ हैं, उसके जरिए सीपैक नहीं चल सकता। एंड पे आके आप आज आपने उसका इस्तीफा करा दिया। आप क्या कहेंगे, क्या वाकई पाकिस्तान सालिस की हैसियत गवा चुका है? और जिस तरह से मुजम्मिल साहब ये कह रहे हैं कि दुनिया पाकिस्तान को पार्ट ऑफ प्रॉब्लम कंसिडर करती है, मुजम्मिल साहब ने जो बात की है मैंने उसी को ही कोट की है। आप बड़ी खूबसूरती से कह रहे थे कि हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हम सालसी करा रहे हैं, हमने अमेरिका तालिबान को एक मिनट पर बिठा दिया है, कहां गई वो सारी सालसी आपकी? सारी सालसी मुजम्मिल साहब, जनरल साहब को अपना कमेंट देने दीजिए, मैं आपकी जाने भी आती हूं। आज दिन तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं कहा, ना पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में सालसी का किसी ने नहीं कहा। एक चीज कहते हैं कि अफगान ओन्ड, अफगान लेड एंड अफगान ओन्ड, जिसमें फैसला उन्होंने करना। यही बाइडेन के पास जब गए हैं दोनों, ये अब्दुल्ला अब्दुल्ला और अशरफ गनी, उसने भी यही कहा है कि फैसला अब आपके लोग करेंगे, आप जाएं वहां। ये कतन कभी कोई जिक्र ही नहीं आया किसी जगह। उसने कहा जाके लड़ो और जनरल साहब कंप्लीट करने में आपकी सहायता करती हूं। और गलत बयानी से फिर इसी तरह धौंस चलती नहीं। असल चीज यह है कि सांसी का आज दिन तक दुनिया में किसी ने कहा है, ना पाकिस्तान ना किसी और कुवत। ठीक हो गया जनरल साहब, आपका कॉमेंट आ गया। मुजम्मिल साहब आप क्या कहेंगे? देखें, जब हम तालिबान और अमेरिका के दरमियान ये फैसिलिटेशन कर रहे थे वो सालसी नहीं थे, तो और क्या था जब दोनों को इकट्ठे बिठा रहे थे? सालस का और क्या काम होता है? फैसिलिटेट करता है, दोनों को बिठाता है, बातचीत कराता है,
किसी मुआहदे पर पहुंचाते हैं, उस वक्त तो हम बड़ा कह रहे थे कि ये हमारा कारनामा है, वी हैव डन दिस, वी हैव ब्रॉट देम ऑन द टेबल, वी हैव डन दिस टू द वर्ल्ड। और आज जब उसका बैकलैश आ रहा है तो हम कह रहे हैं ये तो गलत हो गया, चलो चलो इससे परे हट जाओ। ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। वो भी मौजूद है बातें और ये भी मौजूद है। हम तब भी कह रहे थे कि इस फैसिलिटेशन इस जब दो पार्टियां आपस में बात करती है तो साजिश बताता है कि आपकी बात ठीक नहीं है, इसकी बात ठीक है, लिहाजा आपको यहाँ पे ठीक है। ये साजिश जब आप मामला के तौर पर तय कराते हैं आप रेफरी बन जाते हैं। कह रहे थे कि तालिबान हमारे साहब और मुजम्मिल साहब, मुझे अतर साहब का कमेंट लेने दीजिए, उसके बाद में आप दोनों की जानिब दोबारा भी आ जाऊंगी। अतर साहब आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। को बता रहे थे वो और क्या था, मुझे जरा पहले इन दोनों हजरात के बीच में सालसी करवाने दें, उसके बाद में अपना कमेंट देता हूँ। अगर आप दोनों प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन लें तो फिर ये हम सालसी का अमल जारी रखेंगे। अच्छा, अब इसमें बात यह है कि पाकिस्तान का जो वहां पे किरदार रहा है 20 साल से, पाकिस्तान का एक ही मौकिफ रहा है कि बातचीत के जरिए आप वहां पे मसाइल को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अशरफ गनी या अब्दुल्ला कितने मोतबर हैं, अगर आप कुछ महीने एक बरस ही पीछे चले जाएं तो दोनों ने खड़े होकर कहा था कि हम दोनों सदर हैं, दोनों ने हलफ उठा लिया। अगर आप दुनिया उनको मोतबर समझती है तो ऐसी दुनिया को मेरा भी सलाम है। अगर पाकिस्तान चाहता तो वहां पे किसी एक का साइड ले लेता, अब्दुल्ला के साथ भी हो जाता, वहां पे गड़बड़ करवा देता, लेकिन पाकिस्तान ने उस वक्त भी अशरफ गनी साहब का साथ दिया। प्रॉब्लम यह है कि अशरफ गनी साहब को जो झूठ फीड किया जाता है बार बार, और उसमें एक जो टोला है वो पाकिस्तान के अंदर भी है, ये वही टोला है। ये पहले खुद एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, वो नैरेटिव जब इंटरनेशनल मीडिया पिक करता है फिर ये इंटरनेशनल मीडिया को कोट करते हैं कि देखें जी इंटरनेशनल मीडिया में ये आ गया, और इंटरनेशनल मीडिया इनको कोट करता है। तो ये जो एक पाकिस्तान के अंदर एक ज़हनियत है, पाकिस्तान के अंदर इस तरह की हुकूमतें रहीं, यहाँ पे ये बातें होती रही कि जी हम दलील वालों के साथ हैं, हम गुलेल वालों के खिलाफ हैं, इसका ये एक इम्पैक्ट पड़ा कि पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है हर वक्त कि हमारे खिलाफ इदारे साजिशें कर रहे हैं, हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो उन ये एक पूरी बीमार जहनीत बन चुकी है, और उसी बीमार जहनीत की अक्कासी आपको इस वक्त नजर आती है अफगान हुकूमत के आला अहदेदारों में। उनके नायब सदर ट्विटर के ऊपर लोगों को ऑफर कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ सबूत दूंगा, तो उनकी संजीदगी का आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं। बाकी ये बात यह है कि वहां पे जो अभी अमल जारी है उसमें क्या बेहतरी कोई आ सकती है, पाकिस्तान कोई अपना किरदार अदा कर सकता है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान फिलहाल उसमें कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। वहां पे जितनी इमेच्योर, जितनी ना, जिस तरह आप कह सकते हैं कि इंतहाई गैर संजीदा किस्म की क्यादत मौजूद है, और वो जो अलमिया है उस गैर संजीदा क्यादत का वो भुगतना पड़ रहा है वहां की अवाम को, अफगान अवाम को। फिलहाल पाकिस्तान अगर अपने आप को इससे पीछे ही हटा ले तो बेहतर है। मेरा नहीं ख्याल कि इस अमल से पाकिस्तान और अफगान अवाम फिलहाल कुछ चीज गेन करेंगे या उनको कोई फायदा होगा। ठीक है खालिद साहब, जैसा कि अतर साहब भी कह रहे हैं कि फिलहाल पाकिस्तान अपने आप को पीछे ही हटा ले इस अमल से तो ज्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए भी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने जो पहला भी इनिशिएटिव लिया था वो पाकिस्तान ने आज खुद इनिशिएटिव नहीं लिया था। अगर पाकिस्तान ने अमन कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तो उसमें भी अफगानिस्तान साइड के जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी ख्वाहिश थी, और फिर जो अमेरिका बार बार पाकिस्तान को कहता था कि वो अपना किरदार अदा करें, जैसे तालिबान को पहले हमने अमेरिका के साथ इंगेज करवाया, बातचीत करवाई, अभी भी उनका ये ख्याल था कि इनको किसी एक जगह बैठाकर बात की जाए। पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की क्यादत के साथ जो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ ग्रुप्स थे वो जो इंडिविजुअली गुफ्तगू करते थे या रबते करते थे, तो पाकिस्तान का ये ख्याल था कि अगर इन सब को किसी एक जगह पे बिठा लिया जाए और ये उनकी तरफ से भी राय आई तो फिर एक जगह पे बैठ के, एक छत के नीचे भी बैठ के मुख्तलिफ आरा अपनी इजहार करें और फिर ये खुद डिसाइड करें कि आगे क्या होना है। पाकिस्तान ने कोई ये नहीं था कि अपना हल देना था या कोई इसके अंदर सालसी या मुनसफी करवानी थी, ये राय थी। उसमें हुआ ये कि अशरफ गनी साहब ने कहा कि जी कि हमारा, क्योंकि दोहा के अंदर अब मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और अब हम गवर्नमेंट का जो हम चाहते हैं कि आला सतह का वफ़ जाए यहाँ पर, उसकी गैर मौजूदगी में शायद ये ज़्यादा मौसर नहीं होगी, तो पाकिस्तान ने मुलतवी कर दी। फिर पाकिस्तान ने ये देखा कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त जो है ना तितर बितर हुए पड़े हैं सारे, वो उनका किसी का मशरक़ की तरफ मुंह है, किसी का मगरब की तरफ है, किसी का शुमाल है, कोई जनूब की तरफ जा रहा है, उनके आपस के अंदर इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे उनकी जो कोऑर्डिनेशन है वो यह है कि सारी की सारी तोपा का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दें, अपनी कोई भी नाकामी हो, कोई मसला हो, आप कहते हैं पाकिस्तान जिम्मेदार है। और ये
अभी से नहीं है, ये हमेशा से ये चल रहा है। अगर आप माजी में भी देखें तो इसी किस्म की वाकयात हुए कि जब भी वहाँ पे अंदर इनसिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी होती है फौरन वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये वो कहते हैं ना कि कोयलों की दलाली में मुँह काला करने वाली बात है, पाकिस्तान को इसके अंदर हाथ डालना ही नहीं चाहिए। उनकी ख्वाहिश थी, पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, अगर वो खुद नहीं चाहते, वो खाना जंगी चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वहाँ, पाकिस्तान ये कहता है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो, अफगानिस्तान की सियासी क़यादत खुद बैठे और ख़ुद फैसला करे कि आगे क्या करना है। हमें जहाँ पे सहूलत की बात है या फैसिलिटेशन की बात है, जहाँ भी होगी किसी एक फरीक ने अगर हमारी बात सुनी, हम उसको टेबल पे ला सकते हो तो ले आएंगे, लेकिन बाकी फैसला खुद करना है। अगर वो खुद ही जो है कि अपनी खाना जंगी कर रहे हैं, सारे मामलात ख़राब कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने बॉर्डर के ऊपर, जो हमारी फेंसिंग बाकी रह गई उसको कम्प्लीट करें, अपनी चौकियों को ज़्यादा मुनज़्ज़म करें, उधर से आने वालों को छोड़ें ना, इधर से जाने वालों को भी ना छोड़ें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर नाजिर साहब, हम अफगान हुकूमत की एकदम दिलचस्पी की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका की दिलचस्पी भी सिर्फ इसी में ही थी कि वो अफवाज को वहाँ से निकाल ले, लेकिन वहाँ पर कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हो दो फरीकैन के दरमियान, इसमें जो अमरीका की जो हुकूमत है वो भी कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है कि वो दिलचस्पी, और इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये ब्लिंकिन, एंथोनी ब्लिंकिन लास्ट वीक आए इंडिया से, आकर दो रोज़ा दौरा था उनका, दो दिन वहाँ रहे और पाकिस्तान आए बगैर या बात किए बगैर चले गए, तो इसका मतलब ये कि वो पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते या पाकिस्तान से वो कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं आपके पाकिस्तान कोई रोल प्ले करेगा। हालांकि वहाँ दिल्ली में उन्होंने कहा कि हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान रोल प्ले करेगा। तो अब आते हैं आपकी सवाल की तरफ कि क्या ये अफगान जो कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद कराने जा रहा था वो उन्होंने जो मंसूख की है ये दुरुस्त फैसला है या नहीं। मेरे ख्याल में फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ हमें ये भी सवाल उठाना चाहिए कि ये फैसला किया क्यों गया। अच्छा, ये फैसला करने के पीछे वही, मैं मुजम्मिल साहब की बातों से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हमारे यहाँ एक सालिसी, अब ये सालिसी का लफ्ज़ क्यों आ रहा है, देखिए इस लफ्ज़ को ज़रा समझने की ज़रूरत। सालिस का अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है तीसरी पार्टी। सालिसी और मुसालिहत में फ़र्क होता है। हाँ, पाकिस्तान मुसालिहत नहीं कराना चाह रहा था, जाहिर है कि वो एक डिफरेंट प्रोसेस है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, लेकिन सालिसी का मतलब ये होता है कि जब भी दो पार्टी के दरमियान कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व हो जाए तो वो सालिसी है। अच्छा, और ये हमें हमेशा से रहा है, जब से हमने अमेरिका और चीन की के दरमियान सालिसी करवाई थी 1970-71 में, उसके बाद से शायद हम ये इस कोशिश में रहे कि हम दूसरी जगह पर भी करवाएं। मैं एक वाकया याद दिलाऊं आपको, जब इराक़ ने कुवैत पे कब्ज़ा कर लिया था 1991 में, तो उस वक्त नवाज शरीफ जो थे वो वज़ीर आज़म थे और उन्होंने जो है वो एक तूफ़ानी दौरे शुरू कर दिए कि हम जो है वो अपना अमन फार्मूला नवाज शरीफ साहब ने पेश कर दिया। हालांकि वो कहते हैं ना क्या पीती का शोरबा, बड़ी बड़ी ताकतें इन्वॉल्व थी और नवाज शरीफ साहब निकल गए, एक दर्जन मुल्कों के दौरे किए, पूरा इंटरवाज लेके, और रोज़ अखबार में खबरें आ रही हैं कि आज फलाने भी जो है वो नवाज शरीफ अमन फार्मूले की हिमायत कर दी, फलाने भी कर दी, और वो 12 मुल्कों के दौरे करके आ गए, टाइट फिश निकला, कुछ भी नहीं। तो हम इस किस्म की हरकतें करते हैं बगैर सोचे समझे कि हम जो करने जा रहे हैं, अमरीका जाते हैं वहाँ से आके कह देते हैं कि जी हम अमरीका और ईरान में सुलह करवा देंगे, सऊदी अरब से आते हैं फिर आकर कह देते हैं कि जी मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर हम एक अलग क्या क्या बना लेंगे, फिर सऊदी अरब का डंडा पड़ता है, फिर कहते हैं नहीं हम मलेशिया भी नहीं जा रहे। तो इस किस्म की हम बगैर सोचे समझे जो हमारे सुखरात बुखरात के काम करते हैं उसका नुकसान हमें होता है, बैन अल-अक़वामी तौर पर जगहसाई होती है, ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए।